वेलकम टू माई चैनल समय उर्दू हिंदी। आज का टॉपिक हमारा ये है कि बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल छूट जाता है और उसकी कई कई वजूहत हो सकती हैं, अलग अलग वजह हो सकती है कि आपका प्रैक्टिकल क्यों छूट जाए। तो सवाल ये बनता है कि अगर प्रैक्टिकल छूट जाए तो क्या करें, अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो क्या करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दोस्तों को भी पता लगे कि प्रैक्टिकल छूट जाए तो क्या करें। सबसे पहले तो ये आप करें कि अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो आप वजह बताएं, ठीक है। प्रैक्टिकल टाइम की वजह से छूट जाता है, आपको टाइम नहीं पता था ये कब होगा, या ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। या किसी और वजह से जो है आप नहीं कर पाए करवा तो नहीं हो पाता तो क्या करें। टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के अलग अलग रूल है, टेंथ वाले क्या करें और ट्वेल्थ वाले क्या करें। देखिए टेंथ में कंपलसरी नहीं होता कि आप प्रैक्टिकल दें, सिवाय कुछ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट को आपको करना ज़रूरी होता है, जैसे आपका पेंटिंग है, डेटा एंट्री है, होम साइंस है, या वोकेशनल कोर्स है, उनका आपको करना जो है ज़रूरी होता है और वो एक तरीके से उसकी बेस पर ही आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ठीक है। और जो ट्वेल्थ वाले हैं उन्हें तो करना कंपलसरी है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, जब दोनों में पास होते हैं, जब वो पास लिखे जाते हैं पास होते हैं। और अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल देने गए आप और प्रैक्टिकल मतलब नहीं दे पाए या प्रैक्टिकल की तारीख नहीं पता थी ट्वेल्थ में, तो आप थ्योरी का एग्ज़ाम ज़रूर दें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रैक्टिकल छूट गया तो थ्योरी एग्ज़ाम भी छोड़ दें, बल्कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम करते हैं। जब आप थ्योरी एग्ज़ाम में पास आ जाएंगे और आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ आएगा कि ये बच्चा पास हो गया, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई आएगी SYPT, यानी सब्जेक्ट यस टू बी अटेंड प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब आपका इसका ये होगा कि आपको सिर्फ उस टाइम प्रैक्टिकल ही अटेंड करना होगा, क्योंकि आप थ्योरी में ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। और प्रैक्टिकल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो अगर प्रैक्टिकल को दिए हुए आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, मतलब अभी प्रैक्टिकल चल रहा है लेकिन आपका प्रैक्टिकल बीच में ही छूट गया है, तो आप वहाँ पे स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ जाए, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस नहीं करें, बल्कि जो एग्ज़ाम इंचार्ज है उनके पास जाइए, वहाँ से उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, ट्रैफिक में फंस गए थे या बीमार थे या कोई और प्रॉब्लम थी, उनसे वहाँ डिस्कस करिए और बताइए और रिक्वेस्ट कीजिए सर जो है हम आइए हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लीज़ हमारी एक्सेप्ट कर लीजिए, हम जो है 3-4 घंटे नहीं लेंगे, हम आधा घंटे में कर देंगे, और जैसे तैसे करके आप आधा घंटे में उसे सॉल्व कर लीजिए। अक्सर ये होता है 90% चांस होते हैं कि वो लोग बात को मान लेंगे। और एक बात और कि कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पर जब हम जाते हैं एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर हमारा तो प्रैक्टिकल छूट गया, तो कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं वो लास्ट की एक डेट फिक्स कर देते हैं कि भाई जिन जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए वो इस डेट में आके अपने प्रैक्टिकल दे दें, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप रिक्वेस्ट कीजिए, हम्बली उनसे बात कीजिए, वो ज़रूर कोई ना कोई अंतराज कर देंगे, ठीक है। और नेगेटिव मत जाइए, और थ्योरी और प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल छूट जाए तो थ्योरी के एग्ज़ाम को ज़रूर। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ये मालूम ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप उनसे कमेंट कर दीजिए, कमेंट के ज़रिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना देंगे कि भाई NIOS से रिलेटेड जो भी बच्चे NIOS के एडमिशन हो, नोट्स हो, प्रैक्टिकल हो या असाइनमेंट हो, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।